तन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। गुरुकुल के विषय पर हम बात कर रहे थे, उसमें हमने पहले देखा कि बच्चों को घर पे कैसे तैयार करना है। स्वावलंबन और सहनशीलता, ये दो बहुत बड़े गुण हैं बच्चों के लिए, और इसको स्वावलंबन सिखाकर गुरुकुल पे लाना है। स्वावलंबन नहीं सीखते हैं तो गुरुकुल में उतनी ही तकलीफें होती है, सहनशीलता नहीं सिखाते हैं तो भी तकलीफ होती है। सहन करके आना है और सहन करने के लिए विपरीतता जीवन का नियम, प्रतिकूलता जीवन का नियम है। इसके लिए प्रतिकूलता से भागना नहीं है, प्रतिकूलता को स्वीकार करना है। तो ये सभी बातें घर पे यदि नहीं करते हैं और यदि नहीं सिखाते हैं, तो कोई ऐसा माने कि मैं केवल गुरुकुल करके कुछ परिणाम ला दूं तो शक्य नहीं होता है। कोई ऐसा कहे कि मैं फंडामेंटल के बिना ही मकान बना दूं, घर बना दूं, तो संभव है? नहीं संभव है। घर ऐसे नहीं बन सकता, कितना ही अच्छा सीमेंट हो, कितनी ईंटें अच्छी हो, कितना कारीगर अच्छा हो, लेकिन उसको बोलो कि बेस नहीं है, आप उसके ऊपर पूरा खड़ा कर दो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जैसे बेस चाहिए, बेस नहीं है तो कितना अच्छा मटेरियल हो, मकान नहीं बन सकता है। बनेगा तो उसको गिरने में देर नहीं है, वो मकान बन नहीं सकता, मजबूत नहीं होगा वो। उसी तरह से गुरुजी हमेशा बताते थे कि गुरु शिक्षा नहीं है तो गुरुकुल का यथार्थ परिणाम नहीं आएगा। इसके लिए घर पर जो शिक्षा दी जाती है वो गृह शिक्षा, इसको घर पे देने वाली शिक्षा। तो हम ये चाहते, माता पिता जो है वो ऐसा कहते कि घर पे भी क्या कुछ पढ़ाया जाता है, घर पे भी क्या ये सब कुछ होता है पढ़ाना, उसका ध्यान रखना। माता पिता केवल उसके शरीर को ही देखते हैं, आज ऐसा हो गया है, शरीर को थोड़ी तकलीफ हुई, मानो उसको थोड़ा बुखार आ गया, तो हम बहुत कुछ फोन करेंगे, बहुत लोगों से चर्चा विचारणा करेंगे, एलोपैथी में जाएंगे, होम्योपैथी में जाएंगे, आयुर्वेद पर जाएंगे, बहुत सारी चिकित्सा करेंगे, क्योंकि चिंता है कि इसका शरीर बिगड़ गया, शरीर के अंदर। लेकिन शरीर को छोड़ दे यदि, तो उसके पीछे एक प्राण है, उसके प्राण से भी ज्यादा महत्व का मन है, मन से भी ज्यादा महत्व का बुद्धि है, बुद्धि से भी ज्यादा महत्व का वृत्ति है, वृत्ति से भी ज्यादा महत्व की चेतना है, आत्मा है। उसके ऊपर उसका जो भी कुछ हो उसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। वो शरीर से बिगड़ा है तो सबको चिंता है, शरीर बिगड़ गया सबको चिंता लगती है, उसके लिए ट्रीटमेंट कराते हैं, बहुत सारा कुछ काम करते हैं। लेकिन यदि प्राण बिगड़ा है, मन बिगड़ा है, बुद्धि बिगड़ गई है, वृत्ति बिगड़ गई है, आत्मा तक बिगड़ गया है, तो उसके किसी को फिकर ही नहीं है। क्योंकि माता पिता बच्चों को केवल शरीर देखते, तो जैसा ही ये नियम है कि जैसा आपका घात होगा ऐसा ही प्रत्याघात होगा, जैसा आपका बिंब होगा ऐसा ही प्रतिबिंब होगा, उसी तरह से जिस तरह से आप बच्चों को देखते हैं बच्चे आपको देखेंगे। आप उसका क्या देखते हो? आप केवल शरीर देखते हो, बच्चे भी केवल क्या देखेंगे? बड़े होकर आपका शरीर ही देखेंगे, केयर केवल शरीर की ही लेंगे कि आपको देखो इतना पैसा दे दिया इससे शरीर की केयर हो जाएगी, बस ये लो। फिर आपको पूछना है प्रेम से, आपको कोई प्रेम की भी जरूरत है, आपको कोई मन जैसी भी चीज है, वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपने भी नहीं देखा उसका। यदि देखा होता तो हम कभी भी हम चाहते हैं कि अपना बच्चा परावलंबी हो, कि उसको कोई काम ना आता हो और वो हमारे गौरव का विषय हो, कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा वो एक शर्म की बात होनी चाहिए कि मेरा बेटा कुछ करता नहीं, या उसको कुछ करने आता नहीं है, वो कहते हो झुक जाना चाहिए मस्तक। उसके बदले वो गौरव से कहता है कि मेरी बेटी को तो भोजन बनाने नहीं आता है, बड़ी हो गई क्योंकि उसने पढ़ने का ही काम किया है, मेरी बेटी को ये नहीं आता क्योंकि पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो एक अव्यवस्था का ये लक्षण है कि
कि उसको जो समय उसकी उम्र है वो समय के विषय उसको नहीं आना, वो गुरु शिक्षा की सबसे बड़ी खामी। स्वावलंबन जिस समय हो उस समय ना आए, वो गुरु व्यवस्था दी ही नहीं है ऐसा। जिस समय आप के बिना वो रह पाता है उस समय आपके बिना वो रहना ही चाहिए, उसको रहना आना ही चाहिए। वो कोई नई बात नहीं है, हम सृष्टि से कुदरत से नई बात नहीं कर रहे कि बहुत कुछ बड़ी बात कर रहे हैं, हजारों हजारों साल से ऐसा होता आया है तो वो टिकता है। तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे स्मरण आई थी कल परसों ही, कि बच्चे को जैसा हम देखेंगे उसके अनुसार बच्चे हमारे का उसी दृष्टि से देखें। हम उसको केवल शरीर केंद्रित बनाते हैं हमारा दृष्टिकोण, तो बच्चे का भी दृष्टिकोण केवल शरीर केंद्रित ही रहेगा। वो हमारे शरीर को संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर देंगे, उसको पता ही नहीं कि इसको मन को क्या चाहिए। मधुर वाणी से संवाद करना है, उसको केयर करनी है, ये सब समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका हमने ही उसको शिक्षण नहीं दिया, हमने ही उसको नहीं समझाया। तो ये बड़ी बात है बहुत ही, कि बच्चों को किस तरह से हमारा दृष्टिकोण व्यापक करे, किस तरह से उसको देखे। हम घर पे क्या शिक्षा दे उसको, जो जो गुरुकुल पे आते हैं इंटरव्यू के लिए, यहाँ से बहुत लोगों को हमको यहाँ रह नहीं पाते हैं, बहुत लोग की और परेशानी होती है, वो सबका सबके अलग अलग कारण है। लेकिन एक कॉमन कारण मैं बताऊं, एक कॉमन सब में जो कारण एक पाया जाता है वो है गुरु शिक्षा का अभाव। घर पे कुछ शिक्षा नहीं देते हैं तो तकलीफें बाद में, कोई भी शिक्षा लेने में उसको तकलीफ आएगी, स्कूल में नहीं आएगी क्योंकि स्कूल में ऐसी कोई शिक्षा जीवन से रिलेटेड नहीं। वहां गणित सिखाना है तो सीख जाएंगे, वहां मैथ सिखाना है, विज्ञान सिखाना है, वो सीख, क्योंकि वो जीवन से जुड़ा नहीं है, उसको जीवन में कुछ भी नहीं करना है। मानो गणित पढ़ा उसके बाद उसको जल्दी नहीं उठना है, वो तो जितने बजे उठता था उतने बजे ही उठेगा, वो जैसा करता था वैसा गणित पढ़कर भी करेगा, एक्सपर्ट होकर भी करेगा। लेकिन यहाँ पर ये विद्या ऐसी है जिसका प्रयोग जीवन में, वो लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन जिसको कहते हैं, ये इसके लिए वो पहला पढ़ने के बाद वो ऐसा रह ही नहीं सकता है कि जो पहले था जो, और ऐसा यदि रह गया तो विद्या ही नहीं। विद्वत प्रमाणम सुशीलता च एतानि धारयते यो विद्वान न केवलम पठति स विद्वान। संस्कृत में बताया गया है कि ये सब गुण आए तो ओ विद्या का फल है। तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से तैयार करते हैं कि उसको ये सब कुछ बातें समझ में आए, कि वो ये सब बातें घर पे सीखे। तो घर पे किस तरह से सीखेंगे, तो घर पे वातावरण से सीखेंगे। तो इसके लिए वैदिक पेरेंटिंग में ये बताते हैं कि घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारे घर के संवाद कैसे होने चाहिए, किस तरह से हमारे घर में बातें होनी चाहिए, और दूसरी तरफ किस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या घर को व्रत लेना है कि यदि बच्चों को ना कहते टीवी देखने का तो कम से कम ऐसे दृश्य तो हम टीवी में नहीं देखें जो बच्चे को नहीं दिखा सकते, कम से कम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो बच्चों को नहीं सुना सकते। तो ये यदि ऐसा घर का वातावरण बनेगा तो बच्चों पे उसकी असर आएगी, बच्चों के उस पर प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे वो गुरु शिक्षा लेगा। इसमें दोनों बातें आवश्यक होती है, प्रेम भी आवश्यक होता है और अनुशासन भी आवश्यक होता है। प्रेम के बिना का अनुशासन केवल जड़ होता है और अनुशासन बिना का प्रेम वो बहुत ही लाचार होता है। तो इसके लिए प्रेम के साथ अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो ये हम प्रयत्न करेंगे तो बच्चों को तैयार कर पाएंगे गुरुकुल शिक्षा के लिए। और आज सबसे जो बड़ी चैलेंजेस आने वाली है या आ चुकी है वो शिक्षा के बाद ये है कि दिन प्रतिदिन बच्चों का और माता पिता का अंतर बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को कोई अलग शिक्षा की, कोई अलग वातावरण की, अलग ध्येय की, उसको रोज
बातें सुने हो, उसको रोज पता, तो उसका उत्साह जारी रहेगा। आज के जमाने में देखे तो विद्यार्थियों के पास ऐसा रस ही नहीं है पढ़ने का, कोई लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे यह करना है, और ये नहीं है इसके लिए उसके पास कोई संकल्प ही नहीं कि मैं इतना करूंगा ही, ऐसा आई कैन डू, ऐसा कोई संकल्प ही उसके पास। और यदि संकल्प नहीं है तो बहुत कुछ शक्तियां हमारे भीतर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आती, और बाहर लाना उसी को एजुकेशन कहते हैं। आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश एजुकेशन का अर्थ, एजुकेशन तो ड्रॉ आउट मतलब बाहर निकालना, जो अनभिव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति करना, नया कुछ नहीं डालना है। अंदर बाहर से अंदर जाने की क्रिया वो शिक्षण नहीं। मॉडर्न में हम देखते हैं तो शिक्षण की ये व्याख्या है कि कोई पढ़ाता है और वो अंदर जाता है फ्लो की तरह, तो बाहर से अंदर जाना वो शिक्षण की प्रक्रिया नहीं है, अंदर से बाहर आना वो शिक्षण की प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे यहाँ माना गया है कि अंदर है ही जन्मांतर का बहुत कुछ, उसी को अलग अलग पद्धतियों से बाहर निकालना वो एक शिक्षण होता है, वो शिक्षण का रहस्य। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसको एक लक्ष्य दे, उसको ऐसी बात करे कि उसको जीवन का लक्ष्य मिल जाए, उसको रस आ जाए ये विद्याओं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए खास करके आत्मविश्वास उसका जगह, कुछ नहीं कर सकता है वो, कुछ करेगा नहीं, इस तरह की बातें ना करे, इतना करना ही है, होना ही चाहिए इतना। ये जब बात होगी तब संकल्प दृढ़ होता जाएगा। और इसके लिए गुरुजी बहुत बार बताते थे कहानी के, खलील जिब्रान की पुस्तक गुरुजी के पास आई थी और प्रूफ रीडिंग करने के लिए आई थी, किसी ने अनुवाद किया था उसका हिंदी में, तो गुरुजी को दिखाया, गुरुजी ने बताया मैं देखकर आपको बताता हूँ ये कैसी पुस्तक है। तो गुरुजी ने खलील जिब्रान की कहानियां पढ़ी, बहुत अच्छी कहानियां है, खलील जिब्रान करके एक लेखक है उन्होंने लिखी है, उसने कहानी लिखी है, जैसे उसमें बहुत सारे हमारे ही शास्त्रों का एक सार दे दिया है उसने ये कहानी के माध्यम से। क्योंकि गुरुजी हमेशा बताते हैं, ये रहस्य बताते थे कि ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किए, कि गुरुजी सोचते थे कभी कभी कि मैं जब ऋषियों के बारे में पढ़ता हूँ तो कभी ऐसा होता है कि विश्वामित्र ने वो कर दिया, मेनका के साथ वो, पाराशर ने मत्स्यगंधा के साथ वो किया, और कभी कोई चोरी कर दी, कभी किसी ने श्राप दे दिया, कभी किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, वो सब लिख दिया फिर से, क्या ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी। तो गुरुजी सोचते थे कि ऐसी भी घटनाएं हो सकती है क्या, एक तो ये छोर है, दूसरी तरफ इसका कोई और अर्थ हो सकता है क्या, बिटवीन द लाइंस वाला जो अर्थ है वो और भी हो सकता है क्या, तो ये बिल्कुल उनके मन में आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। और गुरुजी के कहने के अनुसार, और ये हमने सत्य को साक्षात्कार किया कि पानी यदि 100 डिग्री पर गर्म होता है तो रूपांतरण होना वो अनिवार्य घटना होती, मानो बाष्प बनी ही जाती, उसको कोई बाष्प बनाता नहीं, बाष्प बन जाती। पानी 100 डिग्री पर गर्म हुआ कि उसका एक नियम है कि वो बाद में वो उड़ जाने वाली बाष्प बने, रूपांतरण निश्चित है लेकिन वो 100 डिग्री पर जाना चाहिए। गुरुजी बताते थे ऐसा ही प्रश्न का है, आपका प्रश्न यदि 100 डिग्री पर चला गया तो उसका उत्तर मिलना अवश्यंभावी, उसके अनेक प्रकार के कुदरत से उत्तर मिलते हैं हमको, नेचर से मिलता है, कहीं सहज मिल जाता है, कहीं कोई व्यक्ति मिल जाता है ऐसा, लेकिन आपका प्रश्न 100 डिग्री पर जाना, टाइम पास करने वाले प्रश्न, कुछ है नहीं तो चलो पूछ लेते, नापने वाले प्रश्न, कि इसको वक्ता को नाप लेते हैं कि कितना वो जानता है, पता होने पर भी पूछना, ये नापने का ही एक एक उदाहरण है। तो बहुत प्रश्न उनमें आए, तो खलील जिब्रान का
पढ़ रहे थे, कहानी पढ़ रही थी खलील जिब्रान की, उनके पास आई थी। वो एक संत की कहानी बताते थे और ये माता पिता के लिए बहुत उपयोगी। तो संत अपनी कुटीर में रहते थे, पास में खेत था, वहां एक कुआ था। बिल्कुल सुबह सुबह 4-5 बजे भोर में एक व्यक्ति वहां कुएं में जंप लगाने के लिए आए, कुएं में गिरने के लिए, क्योंकि आत्महत्या करनी थी उसको। तो आया संत और उनका सेवक, वहीं उनके सेवक वहां पर ही थे, कुछ स्नान की तैयारियां चल रही थी। तुरंत उन्होंने देख लिया और पकड़ लिया और रोक लिया। पूछा उनको कि क्यों भाई आत्महत्या कर रहे हो क्यों? तो बोले कि मैं बहुत संतों के पास, 3-4 संतों के पास गया, बयां किया, सब बताया कि मैं इतना पापी हूं, मैंने लूटा है लोगों को, इतने इतने लोगों को, और ऐसे कभी कभी तो बारात निकलती थी और मैं लूट लेता था, तो उसकी जो चीखे होती थी वो आज मुझे सोने नहीं देती, तो इसके लिए और मेरे पास कोई उपाय रह ही नहीं गया है। तो 3-4 संतों ने बताया इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि इतने पाप है मेरे, इसके लिए मेरे अलावा और मृत्यु के अलावा और कोई विकल्प। संत ने कहा, लेकिन आपने किया क्या है? बोले बस यही, बहुत लोगों की जान ले ली। तो संत ने कहा, ऐसा तो मैंने भी किया था एक बार, मेरे से भी ये गलती हो गई थी। उसने आगे बताया, केवल मैंने जान नहीं ले ली, मैंने लूट भी लिया है लोगों को। संत ने बताया, मैं भी बहुत पहले ऐसा ही लूटे रहा था। जैसे जैसे वो सुनता गया, एकदम उसकी आंखें व्यापक थोड़ी फूलती गई, देखते गए ऐसे कि ये क्या मैं सुन रहा, आश्चर्यचकित हो गया। 3-4 बातें ऐसी कही कि मैंने वो किया है। संत ने बताया, वो तो तू मेरा ही भूतकाल कह रहा है, मैंने भी ऐसा किया था। 4-5 बातें सुनी तो वो सीधा का सीधा भाग गया। पास में ही वो उसका शिष्य खड़ा था, उसने बताया, गुरुजी आपके ऊपर की उसकी श्रद्धा चली गई, और मैं जानता हूं आपको बचपन से, पहले से ही, कि आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आपने, उन्होंने बताया, उन्होंने लूट की थी, आपने तो कभी लूट नहीं की, आपको मैं पहले से जानता हूँ, अच्छे घर से आए और उसके बाद आपने संन्यास ले लिया, तो मैं पहले का भी जानता हूँ, अभी का भी जानता हूँ, तो आपने कभी लूट नहीं की। उसने बताया, मैंने खून किया, हत्याएं की, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो भी आपने ऐसा बताया, क्यों बताया उसको? ऐसा कहकर आपने उसका विश्वास उड़ा दिया आपके ऊपर का। इसके लिए देखिए, वो प्रणाम किए बिना वो चला गया। तो ऐसा आपने क्यों किया? आपके ऊपर की श्रद्धा अब बिल्कुल उड़ गई, वो कभी भी अब आपके पास नहीं आएगा। तो गुरुजी ने सुना उनको, शिष्य को, और उन्होंने बताया, ये एक पक्ष तूने देखा, ये एक तरफ की बात आपने जानी, लेकिन दूसरा पक्ष आपने देखा, दूसरी तरफ की बात आपने जानी, कि वो आया तब कैसा था वो? 3-4 संत ने कहा था कि आप के पास कोई रास्ता नहीं है बदलने का, तो लड़खड़ाते हुए आया, कुएं में पड़ रहा था लड़खड़ाते हुए, वो आने की स्थिति, गया तब कैसा दौड़ कर गया वो? आत्मविश्वास आ गया कि यदि इसका वर्तमान ऐसा हो सकता है, संत का, ऐसे आदमी का, तो मेरा भविष्य क्यों नहीं हो सकता ऐसा? भूतकाल के यदि लुटारा वर्तमान में संत बन सकता है, तो वर्तमान का लुटारा भविष्य में संत क्यों नहीं बन सकता है? तो ये उसको आत्मविश्वास का संचार हुआ, और ये आत्मविश्वास जगाने के लिए मुझे अपने पर के विश्वास की बलि देनी पड़ी, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो विश्वास की बलि, मुझे अपने विश्वास की बलि दे दी मैंने, और उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो देनी ही पड़ती है। मेरे पर का विश्वास उड़ गया, अब जीवन भर वो मेरे पास नहीं आएगा, वो मुझे पता है, लेकिन मेरे विश्वास की बलि देने के बाद उसमें आत्मविश्वास कितना जग गया, वो तूने देखा। मेरा काम वो था, मेरा अंतिम काम कोई था तो आत्मविश्वास जगाने का था, वो हो गया, तो उसमें मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा,
कि वो चाहे मुझे मानता हो चाहे न मानता हो, चाहे मेरे पर कि उसकी श्रद्धा टिके या चाहे न टिके। तो ये बच्चों को आत्मविश्वास दे, तू कर सकता है, बन सकता है, तेरे पास अनंत शक्ति है, ऐसे वाक्य कहे। तू कुछ कर नहीं सकता है, तेरे से होगा नहीं, तू कैसे वहां रह पाएगा, तू कैसे जीवन में ये कर पाएगा, तुझे ये नहीं जमेगा, ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य है ये आप उसको बताइए भी नहीं, साक्षात फोन पे भी भूल कर मत बताइए। मानो कहीं पढ़ रहा है गुरुकुल में या और, अच्छा तो लगता है ना, वहां डांटते तो नहीं है ना, वहां पर ये तो नहीं हो रहा है ना, ठंड तो नहीं है ना बिल्कुल, तो आप उसको बहुत छोटा आदमी बना रहे। आपके ये सूचन आपको पता नहीं है, उसको छोटा बनाने में बड़ी भूमिका निभाती। और यदि आदमी को बड़ा बनना है तो उसके पास बड़ी बातें करें, क्योंकि जितनी बातें करेंगे आप बड़ा, उतना व्यक्ति बड़ा बनता जाएगा। कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन वो संग जिसका करता है, जिस वातावरण में रहता है, जैसी बातें सुनता है, उतना व्यक्ति होता ऐसा होता जाता है। घर पे रहता है छोटे से, छोटी बातें सुनता है, छोटा उसका जीवन हो जाता है, छोटा उसका लक्ष्य हो जाता है, वो छोटा ही रहता है, चाहे उम्र से शरीर से वो कितना ही मोटा हो जाए, लेकिन वो छोटा रहता है जीवन की कक्षा में। और गुरु जी का मुझे अनुभव है, बहुत सारे शिष्यों को अनुभव है कि उनके पास गया हो और छोटा कोई रहा हो, ऐसी बहुत कम संभावना होती थी। बिल्कुल सामान्य से सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ी तत्व ज्ञान की बात करने लगता था, बहुत बड़ी विचारधारा रखने वाला हो जाता था, बहुत सारी चिंता समष्टि की करने वाला था, बहुत सारे कंसेप्ट को विचार करने वाला हो जाता था, बहुत सारे प्रयोगों को समाज में स्थापित करके जो भी दाव लगाना पड़े वो दाव लगाने को तैयार होता था। इसका कारण क्या है? वातावरण का प्रभाव। वातावरण यदि ऐसा हो गया तो बड़ा व्यक्ति बनता जाएगा। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसको आत्मविश्वास जगाए, तुझे ये करना ही है, तू कर ही सकता है, तू कर ही सकती है, इतना तू पढ़ ही सकती है, ये आत्मविश्वास बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो आप उसको छोटा बनाने में मिलते रहे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं उठ पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, उसमें दो हाथ है दो पैर है, ये मस्तिष्क है, ये सब कुछ उसने दिया है, तो क्यों नहीं होगा, ये उनको कहे कि आप क्यों नहीं कर सकते हो ये काम, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आपको पता है जैसे महत्व आत्मविश्वास का क्या है, महाभारत का युद्ध था, उसमें स्थिति ये थी, अते द्रोणे गते भीष्मे कर्णे च विनिपाति ते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। शल्य बाकी रहा था महाभारत के युद्ध में, लेकिन वो युद्ध के विषय में जो चलती है पूर्वानुमान चलता है, वो पूर्वानुमान में कहा गया कि इस तरफ अवश्य ही बड़े बड़े योद्धा चले गए हैं, लेकिन शल्य को देखकर ये लगता है जो ऐसा युद्ध कर रहा है, इतने आत्मविश्वास पूर्वक को लड़ रहा है कि परिणाम आना ही है। तो हते भीष्मे गते द्रोणे कर्णे च विनिपाति ते, तीन योद्धा चले गए, हते भीष्मे गते द्रोणे कर्णे च विनिपाति ते, द्रोण भी गए कर्ण भी गया, तो भी मैं बताता हूँ, ऐसे महाभारत में बताते हैं कि तो भी मैं बताता हूँ कि आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। शल्य का आत्मविश्वास देखकर यह लगता है कि वो अवश्य ही पांडवों से जीत जाएगा, चाहे कृष्ण यहाँ पर क्यों न हो, उससे भी बड़ी आशा इसके पास है। और वो आशा जब तक रही तब तक तो ऐसा ही लगा, जैसे गई ऐसे शल्य भी चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अंत तक उसको आत्मविश्वास से भरपूर रख, नहीं तो वो अपने आप में यदि आत्मविश्वास नहीं रख पाएगा, जीवन की लड़ाई में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है, जो जीवन का युद्ध है उसमें, वो सबसे ज्यादा जरूरत आत्मविश्वास की होती है। और आत्मविश्वास एक बार गया कि बाद में व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता है, कितना ही चाहे उसके पास एजुकेशन हो, कितनी बड़ी सत्ता आ जाए,
लेकिन आत्मविश्वास यदि उसके पास नहीं आया तो व्यक्ति खुद की शक्ति का कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये बहुत महत्व का गुण है जो आज के एजुकेशन में नहीं दिखता है। आत्मविश्वास आज खो दिया है। आप देखते हैं 10th में 99 ला सकता है ऐसा व्यक्ति, यदि रिजल्ट आया, डिक्लेयर हुआ और 80% उसको आए या 70 आए तो तुरंत वो जाकर जंप लगा देता है नदियों में, तालाब में, समुद्र में। पता है आपको रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद में पुलिस लग जाती है जब 10th और 12th का रिजल्ट आता। क्यों? क्योंकि यदि मेरे चाहिए ऐसा परिणाम नहीं आया तो जीवन पूरा, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं। क्योंकि आत्मविश्वास निर्माण नहीं किया है कि चाहे मेरे पास डिग्री होगी नहीं होगी, चाहे मेरे अनुकूल जगत होगा चाहे प्रतिकूल परिणाम आएगा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मेरे पास विश्व की जो चिरंतन शक्ति है वो मेरे साथ है, आत्मशक्ति, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा मेरे साथ है, तो जगत कुछ भी कहे, जगत माने या न माने। तो ये आत्मविश्वास की कमी आज बच्चों में है। इसके लिए फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इस काल में आप देखेंगे कि कुछ कहा तो वो रूठ जाता है। और सबसे गुरुजी का जो गुस्सा था वो ये बात पर था, बच्चों के रूठने पर, जो बात बात में रूठ जाता है वो आगे जाकर करेगा क्या। वो आत्मविश्वास की कमी, संकल्प की कमी दिखाती है रूठना। वो रूठना क्या होता है? तो ये एक है कि आत्मविश्वास से उसको भरी। इसके लिए अलग अलग कहानियां, अलग अलग उसको वाता है, उसके अनुकूल वातावरण, आत्मविश्वास पूर्ण वातावरण, आत्मविश्वास के चरित्र उनको सुनाइए। उनके सामने ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आत्मविश्वास से सबर हो। ये बहुत बड़ी ताकत एक आत्मविश्वास की होती है। और वो जगाना ये शिक्षण का सही कार्य होता है। शिक्षण का मुख्य कार्य ही यही है कि उसके आत्मविश्वास को जगाना, ये कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, ये आशा को, ये शक्ति को निर्माण कर उसको ये जगाना, उसकी शक्ति को, यही काम होता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आत्मविश्वास की। इसके लिए उसका आत्मविश्वास बढ़े इससे अलग तरह के वार्तालाप करें, इस तरह से उसको संवाद करें, इस तरह से अपने घर का वातावरण बनाए। आप गुरु शिक्षा में ये बहुत आवश्यक होगा कि आपको बहुत कुछ ऐसी बातें छोड़नी पड़ेगी जो उसके आत्मविश्वास को घात करती है, हटाती है, हराती है। ये एक ध्यान में रखना है। तो आत्मविश्वास का बहुत महत्व है। तो ये आप बच्चों में जगाएंगे तो सही रूप उसका बाहर आएगा, सही उसका जो स्वरूप है वो हम उसको दे पाएंगे और तभी हम सच्चे अर्थ में माता पिता बन। ये सभी क्वालिटी के ऊपर यदि ध्यान नहीं है तो हमको ये अधिकार ही नहीं है कि हम उनके माता पिता बने। एक पार्श्विक रूप से सेक्स की बाई प्रोडक्ट आ गए हैं, ऐसी प्रजा होगी जो सेक्स के बाई प्रोडक्ट के रूप में आएगी। गुरु जी ने बताया इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जन्मे और पशु में, पशु में ये बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए संतति के लिए कोई लक्ष्य नहीं। तो ये अंतर है। और मनुष्य के पर ये सेक्स की बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए। तो इसके लिए ये गुण आवश्यक है और उसको किसी भी हालत में देना अनिवार्य है। तो ये हम थोड़े गंभीर हो जाए, सबसे पहली शुरुआत इसलिए हम गृह शिक्षा से ही करते हैं। गुरुजी हमेशा बताते थे कि गृह शिक्षा के बिना गुरुकुल, वो फंडामेंटल बिना की बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है। इसके लिए शुरुआत कहीं से करनी है, गृह शिक्षा से करें। इसके लिए पूरे भारत, अभी हमको आज भी मिलने आए लोग, रोज लोग आते हैं कहीं कहीं अलग अलग प्रदेशों से, लघु गुरुकुलम का कंसेप्ट वहां पर जाए, वहां पर से बहुत लोग जुड़े और बालकों के लिए क्या उत्तम से उत्तमम घर पे दे सकते हैं वो पहले सोचे। थोड़े दिन टीवी नहीं देखेंगे,
पेपर नहीं पढ़ेंगे, कोई भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला, ये ऐसा ही चलने वाला है सब कुछ। तो थोड़े दिन ये सोशल मीडिया से हम डिस्टेंस रखें। पहले सोशल डिस्टेंस की बात थी, तभी मैं ये बात करता रहा था कि सोशल मीडिया डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंस न रखे, चाहे रखे, उससे बहुत कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखने के बहुत बातें हो जाए। तो इतना काम समय जो बचा, वो बालकों को हम विचार करें। पुस्तक है वैदिक पेरेंटिंग की, बहुत सारे व्याख्यान मेरे है जो गुरुकुल के, जो गुरुजी के अनुभव के प्रसाद के रूप में हमने वो शिक्षा दीक्षा विद्या पाई है। तो उनके अनमोल ऐसे व्याख्यान है, वो बहुत ही जीवन में उतारने लायक है। बहुत ही दुख होता है कभी कभी कि गुरुजी के इतने अनमोल वचन, एक 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 रत्न पर यदि तोले उसको, तो रत्न की कीमत कब, वचन की कीमत ज्यादा लगे हमको। तो लेकिन आज सुनने वाले कितने, और उसमें भी अपने जीवन में उतारने वाले। और इसके लिए आज भारत की स्थिति देखिए, आज की पीढ़ी देखिए, आज की प्रजा को आप देखिए, ये भविष्य में क्या करेगी, ये क्या निर्माण कर पाएगी। ऐसी निर्माल्य प्रजा, ऐसी हताश उदास, जिसके ऊपर कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसी ध्येय विहीन लक्ष्य विहीन ऐसी प्रजा क्या कर पाएगी। तो इसके लिए गंभीर हो जाइए थोड़े, घर पे शिक्षा का आप वातावरण बनाए। अकेला गुरुकुल कुछ नहीं कर पाएगा, इसके लिए अपने बच्चों के लिए कम से कम जगना होगा आपको। तो ये इसके लिए तैयारी करें पूरी। हम इसके लिए पूरे भारत में लघु गुरुकुलम के लिए अभी व्यवस्था करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं, घर घर पर ये शिक्षा देने वाले हैं, ताकि गुणवान संतति हो हमारी, तो भारत संरक्षित रह पाएगा। नहीं तो हमारे से कोई भी व्यक्ति संरक्षित नहीं, क्योंकि व्यक्ति को ही हमने जगाया नहीं तो बाकी सारे संसाधनों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। और एक व्यक्ति को जगा दिया, कोई संसाधनों की जरूरत नहीं, वो खुद संसाधन उत्पन्न कर सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए गुरुजी का हमेशा ध्येय वाक्य, गुरुकुल का एक ध्येय वाक्य कि शिक्षा की पुनः स्थापना करनी है हमको, उसको उस हद तक ऐसा वातावरण बनाना है। इसके लिए जो भी हमको करना पड़े, तब जो भी मेहनत करनी पड़े, वो एक 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 समय, एक 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 क्षण, एक 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 विचार, वो हमारा वेस्ट नहीं जाता है, वो इन्वेस्ट हो जाता है, वो अनंत रूप से वापस हमको मिलता है। तो ऐसे हमको एक अवसर मिला है ऐसा, तो हम गृह शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्य करें, बच्चों के गुणों को समझे, बच्चों को कैसा वातावरण देना है, बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। माता पिता तैयारी करने के लिए हमारे पास आए, तैयारी करके घर का वातावरण ऐसा बनाए। इसके लिए हम शिविरों का आयोजन करने वाले हैं, अभी लॉकडाउन खुल गया तो लघु गुरुकुलम के विषय बहुत बड़ा कार्य है अभी। तो इस तरह से आप शिक्षा से, ये जो मिशन है शिक्षा का हमारा, भारतीय शिक्षा का, उसमें आप संलग्न हो, शिक्षा को सबसे प्रथम तो समझे, उसके बाद गुरु शिक्षा कैसी देनी, कैसा वातावरण बनाना है, लघु गुरुकुलम कैसे चलाना है, उसका क्या महत्व है, ये सब बातों को हम समझेंगे। अभी जो जो लोगों के प्रश्न है उसकी थोड़ी प्रश्नोत्तरी हम लेके 20 मिनट तक, आज का जो मेरा विषय था बालकों के गुणों पर, वो आत्मविश्वास जगाना बालकों के लिए बहुत आवश्यक है, अनुरूप वातावरण देना, और खास करके मैंने पिछले पीछे भी बताया कि सहनशीलता उसको सिखाना, स्वावलंबन सिखाना। तो ये बातें जो आज की थी, पहले के भी प्रश्न है, पिछली बार बाकी रह गए थे, तो अभी जिसको जिसको प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा उनके प्रश्नों का। आज का सेशन गुरुकुल के संबंधित है, तो आज के प्रश्न भी गुरुकुल के संबंधित पूछे, स्वास्थ्य के संबंधित प्रश्न कभी और सेशन में पूछे, अभी केवल और केवल गुरुकुल के सेशन के संबंधित ही प्रश्न पूछे। जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी आज का आपका जो वेरी स्ट्रांग वर्ड्स जो हैं, सिक्स का बाय प्रोडक्ट्स और इनका बीच में डिफरेंस है जो, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स है, तो एक्चुअली पूरा भारत सुनना चाहिए था, तो 200 लोग ही सुन रहे। तो आचार्य जी, हमें भी डर लगता है, क्योंकि बहुत सारा करना है, हम लोग भी माता पिता जो बन के बैठे हैं, तो
बहुत कुछ करना है तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आपका सेशन से, ऐसा कर जी। माता जी आपका जो है एक इधर का एक बेटी है सावंत नायक जी का, उनका उधर आपको पंचगव्य एक साल का कोर्स करने के लिए एक बार बात किया था, वो उधर गुरुकुल का, गुरुकुल में एक साल का कोर्स ऐसा कुछ पंचगव्य का, उस बार कॉलेज में भी ज्वाइन नहीं किए थे इसके इसलिए। अभी लॉकडाउन के हिसाब से उसको देर हुई है ऐसा तो, आचार्य जी हमारा एक साल का था ही ऐसा पंचगव्य का, तो अभी वो शायद शुरू हो जाए, क्योंकि वो हमारे पक्ष में नहीं था, मैंने पहले बताया था वो गवर्नमेंट के अप्रूव था वो कोर्स, तो उसका अभी आएगा तो वो चालू हो जाएगा, समझ गए ना आप वो। हेलो, ऐसा चले, ऐसा चले जी, वो बहुत कुछ कारणों से उनके अधीन था, और उनके अधीन था तो जो हमने तैयार किया था, हमारे पास तो तैयारी है सब कुछ, वो जब तैयार करे तब उनका कुछ संसाधन का उपयोग करके उसके साथ मिलकर भी हम एक साल का वो करने वाले हैं, तो वो कोई कैंसल नहीं हुआ है, लेकिन वो उनकी तरफ से हमको वेट है कि वो कब बोलेंगे, तब हम उसको शुरू करेंगे जी। ओके आचार्य जी, अभी हम लोग एक एक, हाँ आप जल्दी अनम्यूट कीजिए, आप अलर्ट रहिए, जो भी हैंड रेस किए हैं अलर्ट रहिए, स्क्रीन देखते रहिए, अब तुरंत आप अनम्यूट कीजिए। बहुत अभी दो लोगों को लिया हूँ। हेलो, प्रणाम जी। जी जी हेलो, हाँ आप गुरु जी, आपको चरणों में सादर प्रणाम। मेरा हाँ जी, मेरा प्रश्न था गुरु जी, मुझे बच्चों को गुरुकुल में भेजने से पहले उसको कैसा संस्कार या कैसे मैं अच्छा कुछ दूं, इसका थोड़ा टिप्स बताइएगा मुझे गुरु जी। इसके ऊपर ऐसे वीडियोस है पंचकोश के, गुजराती में तो पुस्तक आ गई है, हिंदी में वैदिक पेरेंटिंग के ऊपर पुस्तक का काम चालू है, तब तक आप वीडियो सारे देख लीजिए, जो वीडियो के आधारित ही पुस्तक बनी है, तो पूरे के पूरे वैदिक पेरेंटिंग के वीडियो से, जो गुरुजी का एक कंसेप्ट रहा पूज्य गुरुजी का वैदिक पेरेंटिंग में, माता पिता का क्या दायित्व संतानों के प्रति होता है, तो ये एक आप देख लीजिए, तो उसके अनुकूल घर का वातावरण बनाना शुरू करिए। जितना अनुकूल घर का वातावरण बनेगा उतना आसान गुरुकुल में जाना और वहां से कुछ पाना रहेगा, नहीं तो केवल जाना गुरुकुल में वो अलग बात है, वहां से कुछ पाना ये बिल्कुल अलग बात है। तो इसके लिए आप घर का वातावरण ऐसा बनाए कि बच्चों को नित्य नूतन ऐसी प्रेरणा मिले कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे ऐसे वातावरण में, तो अभ्यास का वातावरण बनाए। तो ये हम दोनों को देते हैं, माता और पिता को, कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जब हमारे बच्चे घर में होते हैं, तो हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं, तो उसके पूरे वीडियो से मेहुल भाई आचार्य नाम की चैनल, वहां पर जाकर वेबसाइट पर भी है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं वैदिक पेरेंटिंग पेरेंटिंग जी। तो किसी का गुजराती में प्रश्न है वो फिर से रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो क्या कह रहे हैं वो मुझे पता चलेगा कि उसके लिए क्या है वो। कर्मा रही ने वरता गीत के वार्ता सीखवी सकाई, फिर से रखिए। तो कोई कोई पूछ रहे हैं, हाँ ये हाँ वो लोग पूछ रहे हैं, कोई महिला है तो उनका कहना ऐसा है, गुजराती भाषा में प्रश्न पूछा है कि घर पे रहकर हम क्या वार्ता या स्टोरी उसको कहे या गणित जैसे विषय सिखा सके, ऐसा कुछ भी आप सिखाइए। ये आपका सुझाव बहुत पहले राजेश्वर राव जी ने भी दिया था, हमारे एक जो शिक्षिका है उसको मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि वो वैदिक गणित कुछ पढ़ा पाए, तो वैदिक गणित का आपको एक वर्ग मिल जाएगा, इसके लिए एक आसान रहेगा कि आप घर पे वैदिक गणित सिखा सकते हैं, तो एक तो विषय के स्तर पर एक आ जाएगा। स्टोरी कैसी कहनी है उसका हमारा जो शिविर होती है तो उसमें हम ये समझाते हैं कि कैसी कहानी आपको तैयार करनी है और कैसे कहें, तो ये तो लघु गुरुम कलम की शिविर है, अनेक जगह पर होगी, आप वहां पर आएंगे तो वो हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। तो कोई भी आप वार्ता स्टोरी उसको घर पे रहकर बता सकते हैं, लेकिन वो तैयारी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको फिल्टर देकर करना देना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि वो हेजिटिस लेगा तो उसमें मिलावट बहुत होती है, जैसे कोई भी सीरियल देखे पिक्चर देखे उसमें ज्यादातर मिलावट होती है,
तो वो सब शिक्षा लेने लायक नहीं होती। राहुल जी का प्रश्न है कि आपकी कोई पीपीटी है गुरुकुल के ऊपर? हमारी एक पुस्तक है भैया कि जैसे गुरुकुल शिक्षा नामक एक पुस्तक है, उसमें गुरुकुल के बारे में सब कुछ दिया है कि गुरुकुल कैसा होता है, उसके क्या नियम है, कितने प्रकार के अभी गुरुकुल है, उसका परिणाम क्या है, क्यों गुरुकुल शिक्षा और दूसरी शिक्षा में अंतर क्या है, 26 पद्धतियों का क्या महत्व है पढ़ाने की। तो ये सब कुछ आप एक पुस्तक पढ़ लीजिए गुरुकुल शिक्षा के ऊपर, तो ये बहुत आसान रहेगा कि आपको उसमें से बहुत माहिती मिलेगी और बहुत जो बाकी है वो हम सेशन से देते रहे। आचार्य जी, बुक्स वेबसाइट पे अवेलेबल होने से थोड़ा आसान होगा? बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, अभी मैंने बताया था आपको काम कुछ चल रहा है। बुक तो अभी भी है वेबसाइट के ऊपर, सारी बुक्स है अभी। ओके ओके आचार्य राजेश्वरी, अभी बुक सारी है, कुछ दवाइयां नहीं है उसके कारण थे, उसके हमारे राइटअप नहीं था, तो अभी राइटअप तैयार हो रहा है और तुरंत अभी अभी लग जाएगी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सीधा वहां से ले सकते हैं। जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ जम्मू से। जी बोलिए मीनाक्षी जी। हाँ हाँ गुरु जी, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत प्रणाम। आपका जो गुरुकुल का सेशन है मैं हर बार सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा भी एक मतलब आपसे प्रश्न है कि अगर हम माँ बाप को भी तो थोड़ा बहुत ठीक होना है ना, तो उसके बाद ही तो हम बच्चे को अच्छे शिक्षा, अगर मेरे अंदर वो इंसानियत होगी, मेरे अंदर वो बात होगी, अच्छा ही होगी, तब ना मैं अपने बच्चों को अच्छा ही सिखा पाऊंगी। अवश्य, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें हमें ये सीखना है कि सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है, ताकि तुम डॉक्टर बनो जो भी बनो वो तो बात की बात है, भगवान तय करके भेजते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान तो बन सकते, ये हमारे हाथ में है। तो ये और एक बात है कि मेरे बच्चों को जैसे मैंने शिक्षा दी है, तो उसमें ना एक प्रॉब्लम है, वो मुझे आपसे थोड़ी मतलब एडवाइस चाहिए कि उसको ना कॉन्फिडेंस के बहुत मतलब प्रॉब्लम है उसको सिखाते हो। बच्चा देखो, जब हम छोटे थे तब भी हमको भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो तुम्हें नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम और एक बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो तो होगा। फिर भी वो उस टाइम समझता है, फिर उसके बाद ना कभी उससे कुछ गलती हो जाती, फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम लोग बहुत समझाते हैं, आज तक उसके पेपर में थोड़ा बहुत 1-2 नंबर भी कमाया, कभी हमने नहीं कहा कि बेटा, नॉर्मल से भी नहीं कहा कि बच्चे तुमने ये गलती कैसे कर दी, तुम्हें तो ये पता था, ये भी नहीं कहते हैं, क्योंकि नंबर से कुछ नहीं होता है। फिर भी उसका ये प्रॉब्लम ना, आपसे मुझे मतलब चाहिए, एडवाइस चाहिए, मैं क्या करूं इसके लिए? नहीं, ये देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चे को आपको किस भाषा में कहना है, किस तरह कहना है। बात महत्व की नहीं होती है, पद्धति महत्व की होती है, कहने का रवैया बहुत महत्व रखता है, मायने रखता है। तो पहली प्रश्न जो आपका था कि माता पिता को तैयार होना है, तो वो थोड़ा जरूरी नहीं, वो बहुत जरूरी और अनिवार्य है। तब तक माता पिता शिक्षा दे ही नहीं सकते, तब देंगे क्या? तब वो क्या देंगे? बच्चा चोरी नहीं करनी है और झूठ नहीं बोलना है, और वो फिर फोन लेकर बताते हैं कि बेटा कह दो पापा घर पे नहीं, झूठ नहीं बोलना है, वो शिक्षा देते हैं, लेकिन वही कह देते हैं, और बेटा भी वही कह देता है कि पापा ही कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं, समझ गए ना? तो क्योंकि वो अज्ञो वही भवति बालः पिता भवति मंत्रदः, पिता ही उसको एक ध्येय वाला, एक उच्च चरित्र वाला बनाने के लिए प्रयत्न रहते, लेकिन पहले उनको तो ऐसा जीवन में लाना है, एनी कोस्ट लाना है, उसको नहीं ला सके तो कम से कम वो जहां तक उसके दुर्गुण है वहां तक वो अलग रहे, और बच्चों के सामने कम से कम किसी भी रूप में प्रस्तुत हो, किस तरह से प्रस्तुत हो, इसका एक मुझे बहुत ही एक सेशन हम लेते हैं जो गुरुजी ने दिया है कि किस किस तरह से माता पिता को क्या ध्यान रखना है, तो वो बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे पाएंगे, उसको एक ध्येय दे पाएंगे, और कुछ ना कर पाए उसके अंदर एक जिज्ञासा जगा पाएंगे, और वो जिज्ञासा बहुत तो ये कि भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ सीखना है, बस। तो उसका जो होता है ना वो शुरू रहता है, मस्तिष्क शुरू रहता है, उसकी भावना शुरू रहती है। बाकी हम किसी के हवाले कर देते हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले, टीवी के हवाले, तो धीरे धीरे वो जड़ बनता जाता है। इसके लिए हमने बहुत सारे बच्चे देखे जिसको जीवन की कोई भी बात में ऊंची सी ऊंची बात थी ही, 15 साल के हम विद्यार्थी थे, ब्रह्मसूत्र का प्रवचन सुनने के लिए 4-4 बजे उठकर गुरु साइकिल लेकर ठंड में वो गुरु जी के पास जाते थे, क्योंकि एक तलब थी कुछ सीख लेना है, कुछ पा लेना है जीवन,
ये आज के विद्यार्थी को देखने को ही मिलती नहीं है दूर दूर तक। उसके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो सुबह जल्दी उठे, क्या उठेगा वो, क्या करेगा। और माता पिता को भी ये नहीं है कि इसको कुछ हम ध्येय दे दे, कि कोई ऐसी बात दे दे कि नहीं उसको ऐसा करना ही है। वो माता पिता तैयार नहीं होते अनुशासन कर। आपको पता है देश भी अनुशासन के बिना नहीं चलता है, दुर्गुण भी अनुशासन के बिना नहीं जा सकते हैं, सद्गुण अनुशासन के बिना नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए माता पिता को ये सीखना है। तो हम शिविर करते हैं, उसमें ये सब सिखाते हैं कि घर के वातावरण के लिए बच्चों को कैसे हैंडल करना है। उसको दोष उसमें रहेंगे, उसके अंदर ये सभी दोष है, वो हमारे अंदर भी है, बस केवल ये है कि उसमें शक्यता है जाने की। वो तब हम उसको यदि मुक्त कर देते दोषों से तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसकी हम चर्चा तो जब शिविर होगी एक पूरा उसके ऊपर हम रखते हैं सेशन, जो भगवद गीता में जैसे गुण कह गए हैं दैवी संपदा के गुण 26, तो इसके ऊपर हम रखते हैं कि माता पिता को ये गुणों का ध्यान रखना है कि बच्चों में ये गुण आए। ये आ गए कि उसको कोई फिक्र नहीं रहेगी। आप ये नहीं समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति बनेगा तो उससे अनंत संभावनाएं खुल जाएगी। हम छोटी अपेक्षा बहुत रख रहे कि उसको नौकरी तो मिल जाएगी ना छोटी सी, लेकिन उसको यदि इतना आ गया तो वो कुछ भी उससे हो सकता है। तो ये भी आप रखे, तो इसकी बात हम उसके सेशन में करने वाले हैं। तो अभी तो इतना ही कि आप पहले उसको सीख लीजिए किस तरह से हैंडल करना है। उसके ईगो को कहीं चोट होती है, कहीं उसकी जिद होती है, कहीं उसके अज्ञान होता है, तो उसको किस तरह से बैठकर समझाकर करना है उसकी हम वहां पर बात करते हैं। थोड़े दिन में हिंदी में वैदिक पेरेंटिंग आ जाएगी, गुजराती में है अभी, तो थोड़े दिन में आएगी, तो उसमें ये सभी बातें दी गई है। अभी केवल वीडियो है, वो वीडियो आप सुनिए वैदिक पेरेंटिंग। जी गुरुजी प्रणाम। मैं कुलम खोलना चाहता हूँ, तो उसका योग्यता क्या है और क्या करना पड़ेगा? क्या हेलो गुरु खोलना, लघु गुरुकुल खोलना चाहते हैं? जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि इसके पहले एक अभ्यासक्रम निर्धारित तो किया गया है, उसका महत्व क्या है, कैसे जोड़ेंगे वो सब कर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जयदेव जी, कहाँ से बोलते हैं आप? वेस्ट बंगाल लगता है। वेस्ट बंगाल, तो वहां पर वेस्ट बंगाल की बात है, तो वहां पर कुछ आयोजन करते हैं कि एक बार पूरा का पूरा क्या करना है। अच्छा, मैं पहचान गया आपको, तो क्या करना है, किस तरह से करना है, उसकी हम पूरी की पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे, और उसके बाद हम लघु गुरुकुलम का किस तरह से आगे बढ़ना है उसको शुरू करेंगे। तब तक हम हमारी एक गुरुकुल गीत गुंजन पुस्तक आ गई है, उसके बाद अलग 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 कहानियों को कहाँ से लेना है, संकलन कैसे करना है, और आगे किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएंगे लघु गुरुकुलम को, उसके लिए हम एक आध शिविर करते हैं, और उसके बाद आप वहां पर चार्ज करें। जब ये पूरी तैयारी हो जाए उसके बाद हम अनेक जगह पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन तैयारी को थोड़ा समय दीजिए ताकि उसके बाद हम पूरा का पूरा आत्मविश्वास से कार्य कर सकें। जी, साधन सामग्री के साथ कार्य कर सकें। जी भगत जी, एक मिनट, किसी ने पूछा है, वो बहुत अच्छा प्रश्न है, रोज ऐसे प्रश्न आते हैं। आचार्य जी प्रणाम, मैं 12वीं पास हूँ, मेरे जैसे युवाओं के लिए आपका कोई मार्गदर्शन? युवाओं के लिए ऐसे गुरुजी का प्रयोग था एक युवा शिक्षा के ऊपर, तो युवा शिक्षा में युवाओं को ध्येय मिले, उसको एक जीवन का विकास हो, ऐसा शिक्षण मिले, उस वातावरण हमारे गुरुकुल का अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे गुरुकुल में कि 12वीं के पास बच्चों को हम बड़े बच्चों को रख सके। छोटे बच्चे है और विद्यार्थिनियों के ऊपर भी काम करना है, बेटियों के ऊपर, जो बहने हैं उसके ऊपर छोटी, तो इसके कारण कुछ कारणों के लिए हम युवाओं को यहाँ पर अभी तो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा एक आयोजन भविष्य का है, जो गुरुकुल गुरु जी के गुरुकुल में था, बहुत युवा लोग अपने जीवन का एक बहुमूल्य एक कह सकते संस्कार का सिंचन लेकर गए,
तो गुरु जी के एक लघु शिविर जो 1.5 महीने की 2 महीने की होती थी और वहां पर व्यक्ति जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए, भारतीय शिक्षा को, गुरुकुल को जानने के लिए गुरु जी के सानिध्य में जाता था और वहां पढ़ता था जो भी कुछ वो पढ़ पाए, खास उसको जीवन का शिक्षण लेता था वहां पर और वो वापस आता था। तो इसके लिए 12वीं के पास हो, कॉलेज में हो, ऐसे युवा लोग के लिए हम ये विचार कर रहे हैं। हमारे पास प्लान पूरा है उसका कि वो शिविरें कैसे करनी है, कहाँ, बस थोड़ा अभी खुल जाए, थोड़े स्थान की समस्या है, थोड़े और भी तकलीफें हैं, वो थोड़ी हम कार्य से थोड़ा मुक्त हो जाए थोड़े थोड़े, तो युवाओं के लिए तो मुझे लगता है कि ये युवा के पास जो शक्ति है, युवा शक्ति पराशक्ति ऐसा बताते हैं, तो युवा नेक्स्ट टू गॉड है, युवा शक्ति पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है उसके पास, तो उनका जो संस्कृति के कार्य में लगे, उसको लक्ष्य मिले एक, तो इसके लिए ऐसी शिविर का आयोजन करेंगे हम। हो सकता है, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि एक ऐसा अवसर दे हमको कि हम ऐसे युवाओं को जोड़कर एक ऐसा वातावरण निर्माण करें। इसके लिए बहुत ही जल्द हमको ये सुयोग मिलेगा, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप आशा रखिए कि ऐसी कुछ शिविरें करके हम आपके लिए कुछ मार्गदर्शन की भूमिका में हम अवश्य रहे। जी भगत जी। नमस्कार गुरु जी, मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था इसमें। जैसे कि मेरा बेटा 3 साल का है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने शुरुआत करी है, जैसे कि खाने के बर्तन है थोड़े जूठे, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, जैसे कप हो गया या थाली होगी, वो अपने आप ले जाके किचन में रखना। तो ये 3 साल की उम्र में कर रहा है, ये ज्यादा जल्दी तो नहीं है? और दूसरा, क्या कहानी की, पंचतंत्र की कहानी की किताब जो होती है उसके थ्रू कहानी सुना सकता हूँ, ये पूछना था मेरे को। उसमें देखिए एक बात है कि सबसे पहली बात तो 3 साल वो ठीक है, आप थोड़ा उनको कराइए, वो स्वावलंबन तो अच्छा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है वहां पर, उनकी शरीर का हैबिट वो बनेगी, बहुत कठिन काम है तो मत कराइए, वो छोटा छोटा उसको सिखाने के लिए करा सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र तो लालन की होती है, पालन की होती है, तो बहुत उसमें कठिनाई न दे, अनुशासन न करे, उसको जैसे है वैसे वो कर देती है। लेकिन 6 साल पर तो कम से कम 6 साल पर तो ये कुछ सब कुछ आ जाना चाहिए अपना काम। तो इसके लिए 3 साल में थोड़ा बहुत आप आदत के लिए करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, वो करते जाएंगे तो आदत होगी, ये पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा कि अभी मतलब क्या पूछा आपने, कहानी बताई ना आप, तो कहानियां की पुस्तकें तो बहुत आती है, कहानी कहने का ढंग वो पुस्तक में नहीं मिलता है, वो एक घटना की तरह कहानी को कहते हैं। तो कहानी पहले तो कैसे कहनी है, कहानी का सोर्स कोई पुस्तक प्राचीन हो वो जरूरी नहीं है, वो काल्पनिक भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है, बराबर, लेकिन उसके अनुसार कहनी है जो उसका मस्तिष्क का स्तर है, बराबर है। वो कल्पना प्रधान कहानियां है पंचतंत्र में, रूपक के साथ कहानियां है, तो रूपक समझने वाला हो या तो फिर उसको समझकर कुछ लेने वाला हो, उस तरह से उसको कहानी कहे। तो इसके लिए एक बार मेरे हिसाब से आप प्रशिक्षण लीजिए कहानियों का, कि किस तरह से कहानी की जाती है, उसका हो सकता है हम ऑनलाइन भी सेशन कर सकते हैं। अगली बार मुझे ये है कि एक बार कहानी कैसे कहनी है उसका सेशन करेंगे, तो और कैसे नहीं कहनी, कैसी बातें नहीं करनी है। देखिए कहानियों में बहुत चमत्कार की भी बात आएगी, अंधश्रद्धा की भी बात आएगी, ऐसी बालकों को नहीं कहनी, बराबर है। जो कुछ नियम है कि कहानी कैसी नहीं होनी चाहिए, भय प्रेरित नहीं होनी चाहिए, उसको भय लग जाए क्योंकि उसका हृदय है बहुत कोमल है, इसके लिए उसको भय नहीं लगना चाहिए, तो ये एक ध्यान में रखना है, उसको भयवाहक कहानी नहीं कहनी है, उसको अंधश्रद्धा प्रेरे ऐसी कहानी नहीं कहनी, उसको आत्मविश्वास डिगा दे ऐसी कहानी नहीं कहनी, सृष्टि के नियम के जो विरुद्ध होता है ऐसी कहानी नहीं कहनी है, बराबर। तो ये सभी कहानियों के बारे में आप ध्यान रखें कि इस तरह की कहानी न कहे, नहीं तो वो गलत मैसेज जाता है, वो तुरंत पकड़ लेता है जागरूक,
और उसके बाद तो कहानियों का पहले प्रशिक्षण ले, उसके बाद आप कहीं से भी कहानियां इकट्ठी कर सकते हैं। किस तरह से कहनी है, कौन सी कहनी है, उसके गुरुजी ने पूरा का पूरा कहानियों का मनोविज्ञान के ऊपर बात की है, जिसको वो कहानियों का शास्त्र, जो गुजराती में या हिंदी में वार्ता का शास्त्र ऐसा बताते थे, कि कहानियों का मनोविज्ञान क्या है। लगभग भारत में प्रथम और अंतिम बार ये मनोविज्ञान गुरुजी ने बताया था कहानियों के बारे में। कहानियां बहुत लोगों ने बताई होगी, बहुत हिंदी लेखक है, लेकिन कहानियों का मनोविज्ञान के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। गुरुजी ने प्रायः प्रथम और अंतिम बार ये कहानियों के बारे में बताया है कि बालकों को ये कहानियों के द्वारा कैसे संस्कार सिंचनम कर सकते, बहुत बड़ा माध्यम कहानी है। तो इसके लिए ये हम उसका प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद आप कोई भी कहानी उसको सुना सकते हैं। जी मनोरमा जी। प्रणाम गुरुजी, मैं मनोरमा बोधगया से बोल रही हूँ। आप तो बहुत ही अच्छा बता रहे गुरुजी की बच्चों को लघु गुरुकुल या बालशाला के लिए, तो जो बच्चों की नामांकन के लिए आपके यहाँ रखे हैं, तो बच्चे हमें रोज कहते हैं कि हमें कब जाना है, तो उसको देख के, और जहाँ पे मैं गांव में जाती हूँ ना, वहाँ पे और बच्चों को इकट्ठा करके पूरा कर रखी। और तो अभी एक और बहुत अच्छा मिला है कि यहाँ आंगनबाड़ी चलती है 3 से 5 साल के बच्चों की, तो वो बच्चों करीब 45 बच्चे इकट्ठे होते हैं एक जगह, मैं वहां जाती हूँ, तो लोगों को कैसे सिखाऊंगा, आप हमें कुछ बताएं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं 3 से 5, और गांव के होते हैं, तो लोग काफी जो बातें कही वो बहुत गौर से सुनते हैं, तो आप हमें और अच्छे से कुछ बताएं। आपका प्रश्न से आनंद हुआ बहुत ही, कि आप भी ये कार्य कर रहे हैं छोटे, तो वो गुरुजी बताते थे इसको मैं बहुत बड़ा कार्य मानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग इतनी महत्व की नहीं है, क्योंकि वो चूक जाए तो बहुत लोगों को उसमें कोई संस्कार में फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं इस जन्म में नहीं उस जन्म में, क्योंकि वो उत्सुकता से उसकी राह देखते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, वो उसका कुछ लेने के लिए प्रधानमंत्री से कोई कभी नहीं जाता है कि चलो मैं दो बातें नरेंद्र मोदी जी से सीख, ये दृष्टि से तो लगभग भारत में कोई नहीं जाता है। फोटो आ जाए मेरा उसके पास और वो दिखाकर मैं अपने अहंकार को बड़ा कर पाऊँ कि देखो मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं, इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, देखिए। तो लेकिन गुरुजी ने बताया इसके से कंपेयर में हमारा काम इसलिए बड़ा है क्योंकि बच्चा है वो सीधा कुछ ग्रास्प करने के लिए आता है हमसे, वो कुछ सीखना चाहता है, वो जिज्ञासा वसाता है, और वो अवस्था में वो भूखा है, और हमारे पास यदि खाने के वो देने के लिए कुछ नहीं है तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात होती। आज लगभग भारत में ये स्थिति है कि उसको लेने के लिए उसके मन तैयार है, वो ग्रास करने के लिए वो हृदय तैयार है, वो सारी जमीन तैयार है अंकुरित करने के लिए, लेकिन हम बीज ही नहीं डालते हैं। जी गुरुजी ने एक हास्य में बताया था एक बात, कि एक आदमी ने ऐसी अनुश्चर्या तपश्चर्या आरंभ की गणपति की, चतुर्थी आती थी, एक एक कल्पना की बात है, हम क्या नहीं करते वो देखते, तो वो चाहता था कि मैं गणपति को आराधन करूं और मुझे लॉटरी लग जाए, तो सुनी थी कहानियां, तो इतना उसको अंदर से हार्ट से फील हो गया था कि ये सही है और मैं ये करूंगा तो मुझे मिलेगा फल, तो आराधना शुरू कर दी, तो भूखे प्यासे बैठ गया, तो पानी पीता और वो बैठ जाता कि मुझे बस लॉटरी लगनी है, इतने मुझे कमाने हैं 25,000-50,000 रुपए और लॉटरी, तो आराधना करता रहा 14वें दिन वो पूरा हो गया, और उसके बाद वो मतलब चिल्लाने लगा बहुत ही, ये सब झूठ है गणपति, वो साधना वो सब कुछ, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं लॉटरी, तो ऐसा बताते थे कि कुदरत ने उसके मूर्ति से एक बार चपेटा मारा एक जोर से, तो उसने बताया क्यों ऐसा हुआ, वो बोले कि लॉटरी तो तू ले पहले, लक तो तुझे गई ही है लेकिन तूने ली ही नहीं है, गणपति को तू क्या कह रहा है, तू ले बिना ऐसा कहे कि वो तो लेनी हमको पड़ती है, बाद में गणपति लगा सकते हैं लॉटरी। इस तरह से बच्चों में कुछ डालना तो हमको पड़ेगा, तो वो कुछ उगेगा, केवल बातों करने से तो उगेगा, तो इसके लिए आप उसको एक 3 से 5 साल का हमारा एक वैदिक बालशाला का अभ्यास करते, उसमें कहानियों का संकलन प्रायः में मुझे लगता है हो गया है,
तो उसके ऊपर एक बार आप विचार करें, आप आंगनवाड़ी में इसको किस तरह से प्रायोगिक कर सकते हैं, किस तरह से कहानी कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहानी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसमें आपको परिणाम दिखेगा भला। तो ये एक बात है कि आप अवश्य ही हमारा संपर्क करें। अंशुबेन का मैं नंबर दे दूंगा आपको कि उसे कुछ चर्चा करके उसे कुछ कहानियां आप उसके मार्गदर्शन लेकर कर सकते हैं। वैदिक बालशाला है वो ऐसे एक अलग कंसेप्ट है, उसको किस तरह से किया जाए आंगनवाड़ी के साथ वो सोचा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इसके लिए ये आप पूरे उसको समझ लीजिए, और आपकी यदि लाइन ये है आप वो काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य है कि आप बच्चों को इस तरफ शिक्षा देने का कार्य अविरत चालू के, वो बहुत बड़ा काम है। जी प्रहलाद जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, मैं प्रणाम प्रहलाद बात कर रहा हूँ आपका से। आचार्य श्री, मैं बहुत दिनों से एक मेरा तलाश था कि मेरा इच्छा था कि मैं गुरुकुल में करूं, पर मेरा समय निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया। और मैं पंचतत्व की डॉक्टरी की पढ़ाई भी किया हूं चेन्नई से। जी ठीक है। मेरा सवाल ये था, मेरा भांजा है अभिजीत नाम है उनका, अभी सिक्स क्लास में पढ़ रहा है। मेरा इच्छा है कि मैं मेरे भांजे को गुरुकुल में पढ़ाऊं, तो मैं काफी दिनों से तलाश कर रहा था कौन सा गुरुकुल, किस गुरुकुल में डालू और कैसे डालू, पर मुझे कहीं पर भी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। और आज अचानक से मेरा एक भोपाल के मित्र से बात हुआ, उन्होंने आपका ये लिंक मुझे भेजा और मैं आपके इस वेबिनार में अटेंड हो पाया। तो आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सा मुझे आप मार्गदर्शन करें। उसमें देखिए पहली बात ये विचार है कि आपको तो आपके भांजे को पढ़ाना है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके माता पिता की इच्छा है या नहीं है वो जानना बहुत आवश्यक है कि ये पहले आप जान लीजिए। उनके माता पिता ये कंसेप्ट को समझते हैं, मानते हैं, तो कुछ उसके ऊपर कार्य किया जाए। हम यहाँ बुलाएंगे माता पिता के साथ, क्योंकि माता पिता की अनुमति आवश्यक है, माता पिता को समझना आवश्यक है। उसको तो पहले करना है ना काम के माता पिता को, क्योंकि आपका भांजा है उससे ज्यादा उसका वो पुत्र है, तो पहले उसका उसके ऊपर दायित्व और निर्णय, ये दोनों उसका मैं मानता हूं कि महत्व के है, ये पहले आप जान लीजिए। तो वो गुरुकुल को समझ कर आए पहले, ताकि कोई बातें ऐसी हो जो उसको पसंद, मानो यहाँ इंटरव्यू में भी नहीं यदि पास हुआ तो भी उसका गुरुकुल के ऊपर के श्रद्धा न हटे, तैयारी करा के लाए पुनः, या वहां कुछ हम कह के इस तरह के करें, तो ये गुरुकुल की एक पद्धति है, आचार संहिता है। तो इसके लिए गुरुकुल के प्रति नहीं किसी के बच्चों के प्रति राग होता है, नहीं द्वेष होता है, तो उसका विकास ही हम चाहते हैं। चाहे बच्चा कैसा भी हो, हम मानते हैं वो अज्ञा अवस्था में है, तब हम भी ऐसे ही थे। लेकिन आपकी चिंता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही मैं मानता हूँ कि आप उसकी चिंता कर रहे कि वो गुरुकुल में पढ़े, लेकिन उससे पहले उनके माता पिता को ये बात समझानी, उसके तक पहुंचानी, ये बहुत आवश्यक रहती है। उनकी तैयारी होनी चाहिए, उनको समझना कम से कम चाहिए कि ये कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो एक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के नियम के हिसाब से वो अच्छा रहता है। बाकी बालक पता ही नहीं है, माता पिता छोड़ देते हैं और कहाँ पढ़ रहा है कुछ पता नहीं, तो वो एक आदर्श बात नहीं होती। तो अवश्य उनके माता पिता को कहिए, आप उनको समझाइए, निर्णय उनको लेने दीजिए कि ये गुरुकुल है, तो आप वहां पर फॉर्म भर दीजिए, फिर हम बुलाएंगे, लेकिन तब तक आपको उसको ज्वाइन करना है, तो ये एक कर सकते हैं हम। जी हाँ, प्रणाम गुरु जी। ये आत्मविश्वास या चंचलता, ये इसके लिए कुछ अधिक जानकारी के लिए कोई मुझे कुछ पुस्तक एक एक गुण के ऊपर मेरे वीडियोस लगभग आएंगे, अभी मैं विचार कर रहा हूँ, क्योंकि गुणों का एक तो जानना बहुत आवश्यक है कि क्या क्या गुणों का क्या क्या रोल बच्चों के जीवन में होता है, और उससे बहुत सारे डिसीज भी होते हैं। कुछ गुण न होने से, जैसे स्थिरता न होने से बहुत सारे डिसीज होंगे उसको, तो वो एंगल से हम रोगों के और उसकी पर्सनालिटी के एंगल से मैं एक एक गुणों की बात करूंगा कि ये गुण उसमें क्यों जरूरी है, उसका क्या लाभ होता है, क्या लाभ है, और ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये चंचलता के बारे में तो बहुत बातें हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो कारण हम निर्मित भी करते हैं बहुत बार,
तो इसके ऊपर में एक एक गुणों के ऊपर लेने वाला हूँ, और वो बहुत ही अच्छा गुरु जी का कंसेप्ट गुणों का है, क्योंकि पूरे मानवता को, मानव को तैयार करना है मनुष्य को, तो गुणों के बिना वो नहीं हो सकता है, गुणों उसका खाद है। तो ये हम उसकी बात गुण निरूपण में लेंगे कि कितने गुणों की क्या आवश्यकता मनुष्यों में है, तो इसका हम लेंगे, तो एक आदर्श हम कुछ उसको बना पाएंगे आगे। विक्रांत जी जी, पहले तो मैं पता ही नहीं था कि संस्कार क्या होते हैं, या फिर बच्चों के लिए पंचकोश वगैरह ये क्या चीज होती है, पहले इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो उसके अंदर अब ये चीज कैसे हम कर सकते, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। देखिए, ये आपने अच्छा पूछा विक्रांत जी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो समय जाता रहा है, तो ऐसा तो होना ही है कि वो बड़े होते जाएंगे, और जितने बड़े होते जाएंगे कठिनाई जल्द ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी। तो ये समझते हैं हम लोग कि भाई ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है। तो सबसे पहले सब में यही आता है कि पहले तो जैसे थोड़ा आंशिक भी उसको वातावरण मिलना चाहिए, ताकि माता पिता को एक बात समझनी चाहिए कि उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, वो कुछ बातें उनकी समझ नहीं पाएंगे, और कुछ बातें उसके लेवल देखे बिना वो करेंगे। वो दोनों बातें माता पिता करते हैं, कुछ बातें उनके लेवल से परे जाकर करते, वो युवाओं को समझ में नहीं आती, लड़कों को समझ में नहीं आती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो वो समझा नहीं पाते, कन्विंस नहीं। तो इसके लिए हम शिविर का मैंने पहले बताया, तब तक आपको धीरे धीरे सीख कर प्रयत्न तो अवश्य जारी रखना है उसको सिखाने का, लेकिन फाइनली ये है कि हम लोग इसके ऊपर एक विशेष शिविर जो युवाओं की होती है वो लेते थे, बंबई में ली है हमने, 4-5 साल पहले ली थी। बच्चों के प्रश्न होते थे, युवा जुड़ते थे, तो ऐसे ही कहीं ऑफलाइन शिविर में लाकर आप कर सकते हैं युवाओं के। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सीख कर उसको समझा कर उसको अलग अलग विषयों को देख कर उसको बता सकते हैं कि आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो युवाओं को हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। और दूसरी बात पंचकोश के विज्ञान की, पंचकोश को जितना ज्यादा जानेंगे डीप, जितना ज्यादा सूक्ष्मता से आप उसका अध्ययन करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा ये विषय। तो इसको आप एक बन सकते कि पंचकोश को जानकर आप उसके ऊपर बहुत कुछ तो मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके लिए पंचकोश के एक बार वीडियोस देखें, मैं और भी कुछ पंचकोश के ऊपर अलग अलग वीडियोस में बताने वाला हूँ, वो भी आप थोड़े देख लीजिए, बहुत विषयों के यूट्यूब पर वीडियोस है मेरे। जी आनंद जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और मैं आपका जो रेगुलर सेशंस जो गुरुकुल पर आधारित है, एक्चुअली मेरा 5 साल का बेटा है, तो मेरा जो देखने आपको सुनने का और देखने का जो ध्येय है मेरा, वो ये है कि अपने बेटे को किस तरह से तैयार करूं कि आपके संरक्षण में आके और वो कुछ सीख सके। मेरा कोई प्रश्न ये है कि एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गुरु ये मैकाले एजुकेशन से संबंधित हों या गुरुकुल से हों या कोई भी बच्चे हों, सारे मुझे एक चीज लगती है कि सारे बच्चों में एक चीज कहीं ना कहीं होती है, वो है उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल। कि अगर हर बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग अलग होता है, अब जो कि मैंने अपने आपके गाइडेंस में यहाँ दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ, वीरेन जी के मार्गदर्शन में मैंने अपने बच्चे का टीकाकरण वगैरह नहीं कराया कुछ भी, लेकिन मुझे ये जाना कि अगर बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन अगर इनका इंक्रीज करना हो, क्योंकि अगर अगर बच्चे का किसी भी बच्चे का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर अच्छा है, तो मुझे लगता है उसकी सफलता के जीवन में सफलता हर क्षेत्र में पाने के चांसेस उतने ज्यादा ब्राइट और उतने ज्यादा उज्जवल हो जाते हैं। अगर कुछ बच्चे अगर मंद बुद्धि के हैं, तो उनके सफलता के चांसेस, जैसा हम सब जानते हैं, उनके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकते होंगे। तो मेरा ध्येय ये है, जानने का प्रश्न ये है कि बच्चों का किस तरह से उनकी ध्यान की जो शक्ति है वो किस तरह से बढ़ाएं, जिससे कि वो जो हर क्षेत्र में वो सफल हो सके और चीजें आसानी से कर सके। उसके लिए देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है,
और अनेक विषयों का उत्तर है इसका, एक विषय पर नहीं है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ औषधियां है, कुछ प्रयोग उसके विद्यार्थी जीवन में कराने हैं, उसको एक स्थान पर बैठने की आदत डालना, उसको एक विषय पढ़कर सुनाने की आदत, ताकि वो गंभीर हो जाए वो विषय पर, उसको सुनाना है तो ज्यादा ध्यान से देखेगा, सुनाना ही नहीं है केवल पढ़ना है तब तो 50 चीजें पढ़ लेगा, पेपर भी पढ़ लेगा, वो भी पढ़ लेगा, वो भी पढ़ लेगा, लेकिन माइंड उस तरह से तैयार नहीं होगा कि उसको वो ग्रहण करे। लेकिन जब पूछते हैं हम लोग तो उसको ग्रहण करना वो उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, और इस तरह से वो ज्यादा ध्यान देकर कोई काम करता है। तो इस तरह से बालकों के लिए कोई बार बार एक एक हफ्ते में पूछना क्या तैयार किया है, कैसे तैयार किया है, कोई लक्ष्य देना कि इतना तैयार होगा तो ही आपको भोजन मिलेगा, वो एक संकल्प जागृति के प्रयोग होते हैं। जो बच्चों में आप कराएंगे तो संकल्प जाग जाएगा, जैसे आज मैंने ये नहीं किया है तो मैं दूध नहीं पीऊंगा, आज नहीं किया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तो ये जो बच्चों पर आप कर सके, यदि 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, तो संकल्प जग जाता है, तो उसके लिए फिर आसान बात बन जाती है ये सभी। तो एकाग्रता होना बहुत आसान हो जाता है यदि संकल्प है उसके पास। तो इसके लिए हम तो यहाँ पर गुरुकुल पे कराते हैं ऐसे प्रयोग कि आपको 3 शब्द न हो तो खुद अपने आप को आकर मना बोल देना है कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे 3 शब्द हुए नहीं आज। तो ये कार्य क्या होता है कि उसको इतना कार्य करने पर ही मुझे सोना है, मुझे खाना है, तो जीवन संकल्प से बंध जाता है। बाकी तो पशु की तरह नींद आए सो गए, और नींद खुली उठ गए, भूख लगी खा लिए, तो संकल्प का कहीं कोई रोल दूर दूर तक जीवन में या स्कूल में नहीं होता है। तो ऐसे अनेक प्रयोग हम गुरुकुल में करवाते हैं, ध्यान के प्रयोग है, सात्विक वातावरण में रहने के प्रयोग है, तो ऐसे आप घर पे उसको करवा सकते हैं कि तो एकाग्रता दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ती जाएगी। जी ओके आचार्य जी, प्रश्न होगा जी? नहीं आचार्य जी, तो हो गया आचार्य जी जी। तो हम तो कल मिल रहे हैं संस्कृत सेशन से, चले कल, और फ्राइडे आचार्य जी विरुद्धाहार का अंतिम सत्र अंतिम सत्र है। तो आचार्य जी, हम लोग जो ये बाल गुरुकुल का या वही लघु गुरुकुल का हम लोग ऑनलाइन में कर सकते हैं आचार्य जी सत्र जो अभी ये मैं विचार करके आपको बोलता हूँ कि उसके लिए क्या क्या ऑनलाइन कर सकते हैं या शिविर कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं वो मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको शुक्रवार या शनिवार तक, ठीक है? ओके आचार्य जी, तो हम लोग कल मिल रहे, बाकी आप भी ज्यादा ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानने से हम लोग कदा का 20 बजे थे आचार्य जी, हम लोग संडे जिज्ञासुबेन माता जी से कदा श्रवण करने के लिए, लेकिन आप सब जितने लोग जुड़ेंगे उतना जो है नया नया चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हमें भी इंस्पिरेशन नहीं मिलता स्टार्ट करने का। आचार्य जी का टाइम भी जो है अनमोल है, तो आप जितना हेल्प करेंगे उतना जो है हम सबको मिलेगा। तो प्लीज आप जो है सिर्फ पार्टिसिपेंट मत मानिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। अभी आप नंबर पूछ रहे जी, मेरा नंबर 9449596039, इस नंबर पे आप प्रहलाद जी आप फिर सुन सकते हैं यही सेशन, फिर आप जो है फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, मेहुल जी भाई आचार्य मेहुल भाई वेब यूट्यूब चैनल पे भी है, संपूर्ण स्वदेशी यूट्यूब चैनल पे भी ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप जो है मुझे व्हाट्सअप करने से मैं ग्रुप में जोड़ूंगा और बाकी सब जो है रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हम लोग कल मिल रहे हैं रात को 9 बजे संस्कृत सेशन से। धन्यवाद।